अभिनेत्री श्रुति उल्फत और उनके दो प्रोडक्शन मैनेजर उत्कर्ष बाली और नितिन सोलंकी को वन विभाग ने गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने वन विभाग के नियमों का उल्लंघन किया है। अक्टूबर 2016 में श्रुति उल्फत ने कोबरा के साथ अपना एक वीडियो डाला था। ये वीडियो अक्टूबर 2016 में सीरियल नागार्जुन के प्रमोशन के लिए बनाया गया था। श्रुति ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिससे ये वायरल हो गया। पहले प्रोडक्शन टीम ने इस वीडियो में देख रहे कोबरा को एक स्पेशल इफेक्ट्स बताया था। अधिकारियों ने वीडियो को जांच के लिए कलिना फोरेंसिक लैब भेजा। 17 जनवरी को मिली रिपोर्ट में बताया गया कि वीडियो में दिख रहा सांप असली है। रिपोर्ट्स के आधार पर अभिनेत्री को नोटिस भेजा गया और एक प्राथमिक अपराध रिपोर्ट POR दायर की गई। बुधवार को अभिनेत्री श्रुति उल्फत और दोनों प्रोडक्शन मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वीडियो में दिखा कोबरा असली था। सभी को कोर्ट ले जाया गया, जहां से एक दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। बॉलीवुड की इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे कई कड़वी सच्चाइयां भी हैं। इनमें से एक है कास्टिंग काउच। हम बात कर रहे हैं ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्हें कभी न कभी कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा। करिश्मा तन्ना, बिग बॉस 8 की कंटेस्टेंट रही करिश्मा तन्ना ने कहा था कि वो भी कास्टिंग काउच का शिकार हो सकती थी, लेकिन अपनी सूझबूझ और समझदारी से बच गई। ममता कुलकर्णी, ममता कुलकर्णी ने राजकुमार संतोषी पर इल्जाम लगाया था कि फिल्म चाइना गेट के सेट्स पर उन्होंने ममता को सेक्स का ऑफर दिया था। ममता ने कहा था कि इसे ठुकराने के बाद संतोषी ने उनका रोल छोटा कर दिया और कई फिल्मों से भी उन्हें निकलवा दिया। कंगना रनौत भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। करियर की शुरुआत में उन्हें ऑडिशन के बाद सेक्स की डिमांड की जाती थी, लेकिन वो ये प्रपोजल ठुकरा देती थी। चित्रांगदा सिंह ने फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज के सेट पर सेक्स सीन करने को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया था। डायरेक्टर कुशान ने चित्रांगदा से सेक्स सीन की डिमांड की थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। शिल्पा शिंदे, स्ट्रगलिंग डेज में एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने के दौरान शिल्पा शिंदे को भी कास्टिंग काउच तक का सामना करना पड़ा था। सुरवीन चावला, एक्ट्रेस सुरवीन चावला के मुताबिक उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री से कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। पायल रोहतगी, फिल्म शंघाई के ऑडिशन के दौरान निर्देशक दिबाकर बैनर्जी द्वारा टॉप उतारने की मांग करने पर पायल रोहतगी ने उन पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था। ट्रेजेडी किंग के नाम से फेमस दिलीप कुमार अपने प्रोफेशनल जीवन ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहे हैं। सायरा बानो से शादी के 16 साल बाद जब उन्होंने पाकिस्तानी लेडी आसमा रहमान से दूसरी बार निकाह किया तो वो चर्चा में आ गए। तब ये चर्चा थी कि सायरा माँ नहीं बन सकती। आसमा और दिलीप कुमार की मुलाकात हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। 1980 में दोनों ने शादी की और 1982 में उनका तलाक भी हो गया। दिलीप कुमार की कोई संतान नहीं है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि वो पिता क्यों नहीं बन सके। इसका जवाब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिया था। बुक में दिलीप कुमार ने कहा है, सच्चाई ये है कि 1972 में सायरा पहली बार प्रेग्नेंट हुई, ये बेटा था। 8 महीने की प्रेगनेंसी में सायरा को ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई। इस दौरान पूरी तरह से विकसित हो चुके भ्रूण को बचाने के लिए सर्जरी करना संभव नहीं था और दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। दिलीप की मां ने तो इस घटना के बाद सायरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। नब्बे के दशक में शाहरुख खान और काजोल ने दर्शकों के दिलों पर ऐसा जादू बिखेरा था जिसे लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। फिल्म DDLJ का ट्रेन वाला सीन तो आपको याद ही होगा। कितने ही डायरेक्टरों ने इसे कॉपी करने की कोशिश की। बॉलीवुड के बिंदास एक्टर रणवीर सिंह ने बॉलीवुड के कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ वीडियो शूट किया है, जिसे उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर किया है। इसमें वो ट्रेन से बाहर लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं और गणेश दौड़कर रणवीर का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ रणवीर ने मैसेज लिखा है, ये स्टंट ट्रेन सिनेमा प्रेमियों द्वारा किया गया है, कृपया इसे घर पर या ट्रेन स्टेशन पर ट्राई ना करें। श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म हसीना का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। पोस्टर में श्रद्धा काफी इंटेंस लुक में दिखाई दे रही हैं। श्रद्धा हसीना का रोल निभाने के लिए काफी वक्त से तैयारियां कर रही हैं। पहले पोस्टर से ही श्रद्धा ने सबको चौंका दिया है। बता दें, फिल्म में श्रद्धा दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का किरदार निभाएंगी।
फिल्म में हसीना पारकर की जिंदगी का वो दौर दिखाया जाएगा जिसमें उनका रुतबा दाऊद से बस 19 ही था। दाऊद के भारत से भाग जाने के बाद हसीना के दरबार में ही दाऊद के मामलों का निपटारा होता था। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 14 जुलाई को रिलीज होगी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।